जो बंदा आता ना फलाना बंदा सप तो डरता है, उतो सप दाखिल हो जाए एडा को गेट जो तो तुम बंदा आके सलवात पढ़ो इतने फिर बेचे ते अज बैठे रहो ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मजमा रह गया तो मैं दसा ए मतलब गल्ला करनिया सौखियां औखे पालने बोल सार उठाओ जी यदा मतलब है भी किसी से इतराज करना किसी के मतलब अल्लाह के बंदे मौत सामने आ जाए तो डर जाना फितरत ते ताप भी फितरत का काम अल्लाह ने नस्ल वाले माफ कर दिता सी ए कुरान है अल्लाह फरमाया जाओ हमने तुम्हें माफ किया इसके बाद ऐसा ना करना ऐसा ठीक नहीं लेकिन माफ क्यों किया इस वास्ते बंदे ताबे फितरत खड़ा वो रहा जो फाते फितरत नहीं तो सको नहीं सुनो है मौला तो जैसा खैर मौत अगर मैं मिसाल बाबा जी दे देना मैं मिसाल देना जरा तुहाडा सज्जन बहुता है ना पूरे इलाके चो जरा तुहाडे तो बगैर बचता ही नहीं जान जिन आते हो यह अपनी जान है उन्होंने आखो पे अज रात मैं मुखबरी हुई है कि मेरी मंजी ते बंदे फैर करना है वो तुम्हें आखेगा की करिए फिर वह आता मैं एक प्रोग्राम बनाया वह दस गल कर करना की मेरे वाले कपड़े पा के मेरी मंजी ते लम्मा पैरो अज की रात वह आता यार मैं तेन अज का नहीं हाँ समझता मैं तेन क्या आ बैठा उस आख्या मैं तेन क्या आ बैठा वह तू मेरी जान है तो मैं तेरी जान वह अल्लाह दे बंदे जो रात को इतने फायरिंग होनी है तो रल के कितने चलने मैनू दस गड्डी लियानी है मैनू दस पैसे चाहिए ने जे मुकाबला करना तो बंदे लियाने मुकाबला करने तो आ तू कि प्रोग्राम बना पे मेरी मंजी तो तू लम्मा पैरो तो गोली मार छ मैं वाह भाई वाह चंगा सजा तू वो जरा इंज प्यान है ना गुस्सा नहीं करना ताबे फितरत ताबे फितरत यदा मतलब है खतरे को देख के डर जाना ये ताबे फितरत का काम है कुरान ते मेरे हाथ ने दीगर मेरे रसूल के अली आज मेरे बिस्तर पे खतरा सर उठाओ इको गल पूछी ने मैं लेट जाऊं आप बच जाएंगे फरमाया नाम हाँ अब्दुल हक मुहद्दस है देलवी फरमाते हैं अल्लाह की जमीन जब से बनी थी उस वक्त से लेकर आज तक ये पहला सजदा शुक्र था जो अली मौत को देख के कर रहा हाय हाय और मौत को देख के डरने वाले ताबे फितरत होते हैं मौत को देख कर शुक्र करने वाले फाते फितरत सुभान सुभान अल्लाह मौला तुहानू जजा दे क्या बात मौला तुहानू जजा देवे मैं इतना खूबसूरत सुनया जी ते तीसरी मिसाल मैं अर्ज कर रहा वह भी कुरान चो फाते फितरत दी और ताबे फितरत दी बहुत शुक्रिया हजरत सैमुएल एक नबी गुजरे ने दूसरे पारे में जिक्र दूसरे पारे के आखिरी रुकू में जिथे दूसरा पारा मुकदा ना पाया बिल्कुल एक सफा पहले एक सफा पहले ए एक सफा ए तीसरा पारा है ए दूसरा पारा इतों करके किसी वे टो के वेखना यह गल सारी मिल जाएगी सत्तर तो अस्सी हजार सहाबा सन उन्हें आख्या असं लड़न वास्ते तैयार हाँ जे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो हजरत सैमुएल ने हजरत तालूत न मुकर्रर कर दिता बादशाह जलूत के मुकाबले ते जलूत जालिम बादशाह से हजरत तलूत तो इन्ने बंदे लैके हजारा टुर पाए अल्लाह पाक ने फरमाया सारे ना खड़ी ए राज चेक कर ले जिन्हें फिर नस जाने खाड़ी ना उन्हें आखिया किमें चेक कर लें उतों कुरान पढ़ना मेरा मौजू की है जी हादी ताबे फितरत नहीं होता मेहरबानी मेहरबानी मैं तो पढ़े लिखा माहौल वेख के शुरू किया हादी फाते फितरत होता वो सुनना अल्लाह फरमाता है कि सहरा बड़ा वड्डा सी जिवें चोलस्तान है पानी दूर दूर कोई सी प्यास लग गई तो प्यास तो बाद फिर पानी पीना फितरत है पानी की तलब करना फितरत है पूरी फौज नूं प्यास लग गई अगे आ गई नहर अल्लाह फरमाया भाई वो नहर आउंदी पई अगे इहनां दा ऐलान कर दे उन्होंने हजूर ने फरमाया हजरत तालूत ने भाई अगे नहर आ रही है उन्होंने आख्या अलहमदुलिल्लाह तो उन्होंने आख्या वो नहर तो नेड़े ही है सामने तो इत्थे खलो के जरा अल्लाह की गल सुन लो उन्होंने आख्या पानी पी के आने तो सुनने हजरत तलूत आ गया पहला आंदा सुनो मेरी गल
उन्हें आख्या उस करीम नू आख जरा खलो जे, उस आख्या वह गल करना चाहता है अकबर है। और बंदे घबरा गया, उन्हें दसो अल्लाह पाक की फरमाते हैं। और जो अल्लाह फरमाया सिर्फ तुसा हसना उत्थे किसी का हसा नहीं सी निकल, क्योंकि असं तो आराम बैठे पखे ला के। मैं चोलस धाम जैसे सहरा की गल पे कर, अगे पानी नहर ते अल्लाह की फरमाया काला इन अल्लाह, उसने कहा कि बेशक अल्लाह मुब्तली कुम बी नहरें, इसी नहर के जरिए अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी नहर के जरिए अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है। उन्हें क्या की जी पार करनी है बगैर ट्यूबा तो, मतलब पुल बनाना है, यह नहर सानू की आजमाना। सु उन्हें क्या दसने आ रहा ऑर्डर, ऑर्डर आ गया। वह सुनो जी अल्लाह फरमाता एक लफ्ज आ रहा फलै समिनी, फलै समिनी का मैंने हम में से नहीं, अन निकाह हो मैंने सुनती फमन राखी बन सुनती फलै समिनी। हर मौलवी निकाह च पढ़ता है हदीसे पाक के निकाह मेरी सुनत है, जिसने इसे जानबूझ कर तर्क किया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। फलै समिनी अल्लाह फरमाए इनसे कह दे फमन शारिबा मिनहू, आ नहर आ किनारे इत्थे खलोवो, फमन शारिबा मिनहू फलै समिनी, इनसे कह दे जिसने पानी पी लिया हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आख्या जे पानी आ ही गया तो अल्लाह पाक सानू कहिंदा पीना ही नहीं, फरमाया आजमाना चाहता, बस आजमाना चाहता। और बंदे निकिया निकिया गल्लां करन लगता है, कोई आंदा जी परना पे हो लिया वा, गर्मी बड़ी लगी पीना तो नहीं ना, कोई आंदा आंदा लत्तां दे मकाफे विच बह जाइए, अज मैं दुआने शुआने खड़ के नहीं बंदे बैठे होंगे अंब शंब खड़, वो मतलब भी ये हूँ उन्होंने एहसास होना जिस रोज़ा रखा होंगे वह पिछले टाइम परना प्यो के उत्ते लिया, अज मैं कुल्फे दुआले नहीं पाया हों, गिला कपड़ा सरा ठंड रहा यार की हो, इंज करके बंदे लगे फिर रोज़ा रखे, उन्होंने पता होंगे जिस रखा हो। तुम अंदाजा लाओ जिस रोज़ा रखे है जो तजर्बा रोज़ादार रहा है वह खुदा की कसम इन्हू जल्दी महसूस करेगा। बंदियां नू प्यास दी इंतहा ते अल्लाह की आजमाइश कीती, इहदा मतलब तय हो गया पुरानी कौमों को भी अल्लाह प्यास से आजमाया करता। वाह वाह सदके जावां, दसदा ही पिया अल्लाह हादी किनू होना चाहिए सर उठाना मेरे नाल। अल्लाह फरमाया नहीं पीना, उन्हें आख्या होर भी को गल अल्लाह करदा कि नहीं, यह ही करदा, उन्हें आख्या होर भी करदा, वो की अगों की आई है। अल्लाह फरमाया वमन लम यतमाहू فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے چکھ بھی لیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ بندے اور گھبرا گئے تے اتوں پھر گنجائش نکلی الا، میں انہاں بندیاں دا بہت راضی پیا انہاں جڑے الا نو جاندے نے، الا دا گنجائش نکلدی الا سوائے اس کے، انہاں الا سن کے آکھیا او جاندے سن الا چ کی ہے، انہاں آکھیا ہاں جی ہاں جی کوئی گنجائش آئی جی آئی جی، الا سوائے اس کے کی؟ اللہ فرمایا صرف اتنی اجازت ہے کہ منک طرفا غرفتن بیدی ہی، چلو میں لے لو ہاتھ کے چلو میں جتنا آتا ہے پی لو۔ اے اکثر مفسرین نے لکھے ہے، علامہ علی نقی چلو دے بھی قائل نہیں، اکثر مفسرین نے چلو انجی کر لو الا سوائے اس کے تو چلو، چلو کنو آندے ہو چبارے دے علاقے جو، اور یا اللہ پنو اللہ پا ہر بندے دی لاپا اپنی ہوں دی تو چلو اپنا ہوں دے، اب بچے دا چلو جی ڈاک ہوئے پانی بھی تے اور نہیں پہنے نا، تو جب پانی اور نہ پہنے تو ٹیڑے بھی تے اور ڈائی ہے نا، تو جب بندہ ہی ڈا ہے اور اگر چلو بڑھا ہے تو ٹیڑے بھی بڑھا ہے، تو ہنو کدی روزہ دار نہ نگل پہ کرنا، روزے دے نیڑے جا کے نے بندے تو انو پتا ہے گلاس پھر کے رکھیا ہوں دے، حالانکہ جا کے چھو ہوں دے لیکن جا گلاس پھر کے کور رکھیا ہوں دے، تو ایک کو باری پیاں تو ڈی گلا کے بندے پین دے آندھر برم پہ چوکاٹ چمچی نہ، یہ ٹھیلی دل کرے وقت تک پینی نہ دے ہے نا۔ میں ایک ایسا بھی روزہ ویکھیا قاضی حسین صاحب تقریر پہ کرتے سن، اسی بیٹھے سا سارے قاضی حسین احمد مرحوم جماعت اسلامی والے، تے او پھر ایک بندہ نا اذان نیڑے ہو گئی تو ٹائم پہ ویندا سی، انہوں پتا سی میں کنے بجے تقریر چھڈنی، وہ جڑے ویلے چھڈن لگے تے اذان اجی ہونی سی اس گلاس پھڑ کے تے نیڑے کر، باقی ساری دنیا بیٹھی اے سبلائی والے کول،
हौली हौली नेड़े कर लिया। इतने भी हो पिता तो इतों भी जा सकता खैर हो बारीकी मैं ही वेख्या इतों करता करता नेड़े कर लिया। बस इन्ना ही फर्क पिया जो उस पी लिया ना उदो उस आख्या अल्लाह तो।